नमस्कार साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर आज का दिन यानी कि 4 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं, एक बार प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक यहाँ पर पहुंच रही है या नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज कन्फर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक यहाँ पर पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर बेसिकली एक मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पर जो टीम के द्वारा जो फाइल है वो गलत खोल दी गई है। एक मिनट का समय दीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। एक मिनट पीपीटी खोल लें। ठीक है, ये छोटा सा एक मिस्टेक हुआ आज। एक मिनट का समय जस्ट मैं आप लोगों से लूंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की तरफ। 4 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो ये बात करता है इस भाई साहब की। अब देखो, इस भाई साहब की फोटो जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये भाई साहब ने क्या किया। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं गोल्डन ग्लोब रेस। गोल्डन ग्लोब रेस, ये बंदे ने क्या किया, ये बंदा निकल गया सोलो रेस पे। सोलो रेस पे और कॉन्टिन्यूसली बिना रुके यहां पर बॉट को सेल करता गया। अब सबसे पहली चीज तो ध्यान रखनी है इस बोट का नाम है बायनेट। इस बोट का नाम क्या है? बायनेट। अब देखिए, ये बायनेट नाम की जो बॉट है ये कहां से आती है, ये क्या है, बेसिकली क्या इस बंदे ने किया है। तो इनका नाम है अभिलाष टॉमी। और अभिलाष टॉमी जी ने यहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गोल्डन ग्लोब रेस में, फर्स्ट भारतीय बनकर जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया। अब ये जो रेस है ना, ये के सर रॉबिन नॉक्स जॉनसन ने स्टार्ट करी, कंडक्ट करी, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब रेस जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा सोलो रेस ऐसी ड्राइव कर चुके हैं। तो उन्होंने एक रेस ऑर्गेनाइज कर दी। तो यहां पर पार्टिसिपेंट्स जो है वो गोल्डन ग्लोब रेस में आए, ठीक है, सिंगल हैंडेडली, यानी कि अकेले उन्होंने क्या करना है, बोट को सेल करके जाना है बिना रुके। तो ऐसे ये भारतीय जो है वो आगे आए, अभिलाष टॉमी साहब, इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। लगभग 250 दिन इन्होंने बिना रुके यहां पर सोलो यहां पर ट्रेवल किया। 8 महीने से भी ज्यादा का सफर था इनका, ठीक है, जो इन्होंने सोलो जो है वो किया। 1968 में ये भाई साहब पहले बने थे, ठीक है, जिन्होंने सोहाली नाम की एक बोट थी इंडिया की बनाई हुई, और इस बोट में इन्होंने सोलो रेस अपनी ट्रैवल करी, और उसके बाद अब ये दूसरों को भी इस चीज में प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ऐसा एक जो है अभिलाष टॉमी जी ने रिकॉर्ड बना दिया। क्लियर हुआ जी? कोई डाउट है किसी को? चले, तो ये था आज की क्लास का पहला करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट की फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पर HPPSC वालों ने जो पैटर्न चेंज कर दिया है, जी हाँ, हम उस पैटर्न की बात करेंगे। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें जो भी उन्होंने क्लास 1, 2, 3 तीन लेवल पे डिफाइन किया है उन सबको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। उन्होंने एक कॉमन पेपर रख दिया है, एक तो बेसिकली कॉमन पेपर सभी के लिए रख दिया है जिसमें जनरल जैसे HP GK हिंदी इंग्लिश और नॉर्मल GK पूछा जाएगा,
और उसके बाद एक सब्जेक्ट पेपर यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे कि किन किन एग्जाम्स में ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं है, एक नोटिफिकेशन बनाकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया, बट किन किन एग्जाम में ये एप्लीकेबल होने वाला है ये अभी तक नहीं बताया गया, ये अभी तक नहीं बताया गया। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग दोनों जगह देखने को मिलेगी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से, अभी हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा जो है ये यहां पर अंडेमान आइलैंड को इफेक्ट करने जा रहा है, और 6 तारीख को ये बे ऑफ बंगाल में इफेक्ट करेगा, साइक्लोन जिसको हम चक्रवात कहते हैं, और जो मोचा नाम का साइक्लोन, देखिए साइक्लोन्स का ना हमारा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, साइक्लोन्स का सर्कल बना हुआ है, जो भी दुनिया में आने वाले साइक्लोन्स है ना उनको पहले से ही नेमिंग दी गई है, कुछ कंट्रीज का एक पैटर्न बना हुआ है जो कि ऑलरेडी नेमिंग दे देते हैं कि अगर आने वाले इस रीजन में अगर साइक्लोन आएगा तो फर्दर नाम उसका ये होगा, इस साइक्लोन के बाद नाम ये होगा। तो इस बार का ये जो नाम है मोचा, ये नाम दिया हुआ है यमन देश ने, ये नाम दिया हुआ है यमन देश ने, ये ध्यान रखिएगा, ये यमन देश का दिया हुआ नाम है। ईस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन मोचा जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा, 6 मई तक इफेक्ट हम कर रहे हैं कि ये बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट के हिस्से में इफेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो सकता है, यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। और यही साइक्लोन जो है मोचा जो है ये यमन ने नाम दिया है, और ये अंडमान आइलैंड के आसपास जा सकता है 9 मई तक। तो एक इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक प्रेडिक्शन है, आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक किताब आती है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। देखो आज हमारे पास छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी हम इनको कवर कर लेंगे, छोटे छोटे हैं बट आपको ध्यान रखने हैं। मेड इन इंडिया एक किताब आती है, इस किताब को लिखा है अमिताभ कांत जी ने, अमिताभ कांत द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। जी हाँ, नीति जिसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, एक थिंक टैंक है। तो नीति आयोग के जो फॉर्मर सीईओ है अमिताभ कांत जी, उनके द्वारा कंपाइल की गई लिखी गई किताब मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये इस किताब का टाइटल है। चलिए पंडित रामकृष्ण जी जो कि यहां पर लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं और उसके बाद राजस्थान से एमएलए रहे हैं, पंडित रामकृष्ण जी को अवार्ड दिया गया मैन ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार, मैन ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार। समाजवाद के लिए, सोशलिज्म के लिए इनकी जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है, उसको देखते हुए इनको ये टाइटल जो है वो दिया गया है, पंडित रामकृष्ण जी को मैन ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार दिया गया। जैसे हम कहते हैं शताब्दी पुरुष का पुरस्कार या टाइटल इन्हें दिया गया है, पंडित रामकृष्ण जी को। अब ये टाइटल इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि सोशलिस्ट मूवमेंट्स के चलते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। रामकृष्ण जी मोस्ट सीनियर एंड आइकनिक फिगर काउंट किए जाते हैं इंडियन सोशलिज्म के, एंड इनको सोशलिस्ट शताब्दी पुरुष का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब पंडित रामकृष्ण जी, जैसे मैं बात करता हूं बहुत सारी अदर मूवमेंट जैसे हमारे इतिहास में चली थी, आपने जेपी नारायण का नाम सुना होगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायणन, ठीक है, लोहिया साहब का नाम सुना होगा, एम एन लोहिया साहब का, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया हुआ है मूवमेंट से, बहुत बार जेल भी गए हैं, ठीक है, एमरजेंसी के वक्त भी जेल गए थे, और ये लोकसभा के मेंबर रहे हैं 1977 में, उसके बाद राजस्थान से 4 बार जीते हैं ये, 1962 में, 1967 में, 74 में, 1990 में। और रामकृष्ण जी को बहुत बार अरेस्ट किया गया है, ट्राइबल्स के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, गरीबों के लिए लड़े, दलितों के लिए लड़े, पंडित रामकृष्ण शताब्दी पुरुष का टाइटल इनको दे दिया गया स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ, अगला करंट अफेयर क्या कहता है, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है। ओडिशा, देखिए ओडिशा जो है ना, दैट इज वेरी फेमस फॉर द हॉकी। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ठीक है, वो भी हॉकी से एसोसिएटेड रहे हैं, और इसी के चलते हुए अभी जैसे चाहे मैं बात करता हूँ पिछले साल जो गेम्स हो रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, और अभी जो हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया वो ओडिशा में ही ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के अंदर, हालांकि भारत अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं दे पाया बट कोशिश बहुत अच्छे लेवल पे करी। तो ओडिशा जो है ये हॉकी का स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सर कर रहा है हॉकी को 2018 से, और अभी ये कर दिया गया कि हॉकी को इंडियन हॉकी टीम्स को, चाहे वो मेन हॉकी टीम है चाहे वो वुमेन हॉकी टीम है, उसको आने वाले अगले 10 सालों के लिए भी ओडिशा ही क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, ये अनाउंस कर दिया गया है।
सो द ओडिशा एक्सटेंड्स इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप टिल 2033, 2033 तक इंडिया के अंदर ओडिशा ही इसको स्पॉन्सर करने वाला है, क्लियर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है, नवीन पटनायक, बीजू जनता दल की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, उड़ गया, उड़ के नया आ गया, नए से मतलब नवीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2033, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की। नेक्स्ट करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए हमारे आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मशीन लर्निंग टूल बनाया है जिसके चलते हुए ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर्स होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ऐसा टूल बनाया है जिसके चलते हुए ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर्स होता है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसको नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है जीबीएम ड्राइवर, ठीक है, ये जो वेब सर्वर इन्होंने बनाया है इसको दिया गया नाम जीबीएम ड्राइवर, यानी कि ग्लियोब्लास्टोमा म्यूटीफॉर्म ड्राइवर्स, ठीक है। अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक मशीन लर्निंग टूल जो है वो इसको बनाया है जीबीएम ड्राइवर, ठीक है। इसका काम यही है, ड्राइवर म्यूटेशंस देखना, पैसेंजर म्यूटेशंस को देखना, और दैट इज इन द ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोब्लास्टोमा में। अब इस तरह का वेब सर्वर बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड मोटिव्स, कंजर्वेशन स्कोर्स, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस, ये सब यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, दैट इज आईआईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला करंट अफेयर, अगला करंट अफेयर क्या कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब हमारे महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है श्री देवेंद्र फडणवीस जी, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, तो इन्होंने मॉरिशियस में शिवाजी महाराज का एक स्टैचू जो है इसको अनवील किया, उसको लॉन्च किया, ठीक है। द फडणवीस अनवील्स द छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू इन द मॉरिशियस, क्लियर। सो मॉरिशियस में इसको अनवील किया गया है, 44 मिलियन मॉरिशियस रुपीज का खर्चा करके इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 44 मिलियन रुपीस जो है यहाँ पर अनाउंस किए गए मॉरिशियस में भारतीय स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और एक 10 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी अनाउंस की गई। ऐसा एक अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर मॉरिशियस के अंदर फडणवीस साहब के द्वारा किया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशियन इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज। देखिए एशियन, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये चित्र में एक देखिएगा, ठीक है। अब भारत के और एशिया में साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं जो कि एशियन का मेंबर कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई और इंडोनेशिया, ये जो 10 कंट्रीज हैं ये एशियन का हिस्सा है। एशियन की स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया में यहाँ पे, ठीक है, दिस इज जावा आइलैंड और यहाँ पर है जकार्ता जो कि हेडक्वार्टर है किसका, एशियन का। अब देखो हमारे ना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी ने एक बात कही कि भारत देश को ना अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, जैसे कि ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, एशियन ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनके साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो भारत सरकार ने उस वक्त नरसिम्हा राव जी की कमांड में एक पॉलिसी चलाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और उसके बाद 2015 में मोदी जी ने उसी लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे कन्वर्ट किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। अब ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया किसको, लुक ईस्ट पॉलिसी को, जिसके चलते हुए भारत को अपने ये ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ ध्यान देना है, इनके तरफ अच्छे लेवल पे कार्य करना है, क्लियर। तो इसी के चलते हुए एशियन जो है ना ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, बट ये जो एशियन ग्रुप है ना ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है, इंडिया इसके हर एक मीटिंग में हिस्सा लेता है, ठीक है, इंडिया इसकी हर एक मीटिंग में हिस्सा लेता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, हर एक मीटिंग में हिस्सा लेता है इंडिया इसकी। तो ये एशियन के साथ इंडिया पहली बार एक मैरिटाइम एक्सरसाइज करने जा रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडिया एशियन मैरिटाइम एक्सरसाइज, पहली बार ऑर्गेनाइज होने जा रही है, पहली,
ये दो फ्रंटलाइन वॉरशिप में ऑर्गेनाइज होगी, INS सतपुरा और INS दिल्ली जो है दोनों यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसका जो हार्बर फेज है वो ऑलरेडी 2 से 4 मई तक ऑर्गेनाइज हो चुका है, ठीक है, आज कंक्लूड हो जाएगा, ये आज खत्म हो जाएगा 2 से 4 मई तक सिंगापुर के अंदर। और उसके बाद इसका जो सी फेज है वो 7 से 8 मई तक कंडक्ट किया जाएगा साउथ चाइना सी के अंदर। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो, साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है। अब आगे इसकी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब ये जो एशियान इंडिया एक्सरसाइज है, एशियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज है, जिसके चलते हुए इंडियन नेवी और एशियान नेवीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक साथ मिलकर काम कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। और INS दिल्ली जो है ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि यहां पर हिस्सा ले रहा है। और इसी के साथ साथ INS पूरा जो है ये भी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। हाँ जी, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज हमारे यही करंट अफेयर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन की तरफ बताइए, फिर हम बढ़ते हैं आगे MCQs की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म कीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व करते हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? और इस बार अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना आया? 161 आउट ऑफ 180। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं, थर्ड मई को। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। चलिए अगला, व्हाट इज द नेम गिवन टू द साइक्लोन दैट द इंडिया इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स टू हिट इंडिया ईस्टर्न कोस्ट? हाल ही में इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को कौन सा साइक्लोन जो है वो इफेक्ट करने वाला है ये बताया गया है। तो इसका नाम है साइक्लोन मोचा, चक्रवात मोचा। और यह नाम किसने दिया है? यमन देश ने दिया है, यमन देश ने यह नाम दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, ये कहां पे बेसिकली स्टार्ट हुआ है? हाँ जी, ये अभी इसका जो मैंने बताया ना हार्बर फेस जो है वो कंक्लूड हो रहा है, आज खत्म हो रहा है, 4 मई को आज, ठीक है। कहां पे? सिंगापुर के अंदर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस ऑफ 2022, ठीक है। अब देखो ये 2022 में कंडक्ट की गई थी, इसीलिए इसको 2022 हम बोल रहे हैं, गोल्डन ग्लोब रेस। इसका नाम क्या है? इनका नाम है अभिलाष टॉमी, ठीक है। चलो आगे, महाराष्ट्र डेप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू जो है किस देश में उद्घाटन किया, उसका किस देश के अंदर? ईरान, मालदीव, भूटान, मॉरिशियस, बताओ जल्दी से कौन सा देश है। चलिए बहुत अच्छे, ये देश है मॉरिशियस। अगला, एशियान का हेडक्वार्टर कहां पे? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, हां जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वेर इज द हेडक्वार्टर? वेरी गुड, जकार्ता इंडोनेशिया, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। हाँ जी, किस इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स ने एक मशीन लर्निंग टूल बनाया जिसके चलते हुए आप ट्यूमर को देख सकते हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर डिटेक्ट कर सकते हो ट्यूमर? हाँ जी, IIT दिल्ली, मद्रास, रुड़की या बॉम्बे? तो दिस इज IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन, ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर करेंगे किस वर्ष तक, इंडियन हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर करेंगे किस वर्ष तक, चाहे वो मैन हॉकी टीम है चाहे वो वुमेन हॉकी टीम है, दोनों को करेंगे 2033 तक, 10 साल, यानी कि आज के 10 साल इन्होंने चूज किए हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास प्लस एमसीक्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।